जी नमस्कार। खेसारी लाल यादव का जो फिल्म आया फरिश्ता, उस पर जो है बहुत सारे लोगों का भैया आ रहा है कमेंट। ठीक है, लोग ये बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। बात क्या कर रहे हैं, बल्कि सही चीज है कि जो है खेसारी लाल यादव का फरिश्ता जो है फिल्म 10 करोड़ रुपया कमा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो है एक भोजपुरी में अपने आप में इतिहास वाला बात है कि जो है 10 साल तक का रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव फरिश्ता फिल्म से तोड़ दिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जो है ये बात पच नहीं पा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जरा 10-20 को सिनेमा हॉल में सिनेमा अलग भी किया है, अब 10 करोड़ कमा कैसे लिया रे भाई। हाँ, तो उनका भी कहना भैया सही है कि सिनेमा हॉल बोलता है कि भोजपुरी के लिए है ही नहीं है सिनेमा हॉल, है ही नहीं है सिनेमा हॉल, तो आखिर 10 करोड़ रुपया फिल्म फरिश्ता कमाया कहाँ से? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो देखिए आप जो इस बार में क्या सोचते हैं कहाँ से कमाया है, लेकिन आपके सोचने से पहले जो भाई आपको जानकारी देगा ना, बिल्कुल कहाँ से कमाया है, कैसे कमाया है। तो ऐसे भी तो हो सकता नहीं कि अगर एक ही को सिनेमा हॉल में सिनेमा 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन से अगर लगा हुआ है और 200 दिन भीड़ जा रहा है तो 10 करोड़ रुपया नहीं कमाएगा। लेकिन हटाइए हमको आपको बोलने से क्या होता है, अभी का डेट में जो है अगर आप कुछ भी खोजना है, सर्च करना है, तो कहाँ जाइए, इंटरनेट के पास। ठीक है, गूगल है, वहाँ विकिपीडिया नाम का चीज होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, विकिपीडिया में जाइए, जाकर सर्च कीजिए। हम तो वहाँ गए करे, हमको वहाँ क्या दिखा कि जो है फिल्म बनाया गया 46 लाख रुपया में और कमाया है भैया 10 करोड़ रुपया। समझ रहे हैं बात, 46 लाख का फिल्म का है बजट, कमा गया 10 लाख 10 करोड़, मतलब कि सलाई तो सुपर डुपर ऊपर एकदम सबसे ऊपर वाला हिट हो गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। फरिश्ता आपने देखा है कि नहीं, भाई को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ना दीजिए महाराज। ठीक है भाई, मिलेगा आपसे अगली बार। नमस्कार।